लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम को, जो है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स इनटू अ रैशनल नंबर। यानी कि हमें रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रैशनल फॉर्म क्या होती है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म। यानी कि इन सारे डेसिमल्स को हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? वो सारे डेसिमल नंबर्स जो कि पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। यानी कि अगर अब इसे मैं सॉल्व करना है मुझे, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगी, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। फर्स्ट इज कि सिंपल फॉर्म, सिंपल रिकरिंग डेसिमल, एंड सेकेंड इज मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। सिंपल फॉर्म में कौन कौन से आते हैं डेसिमल्स? सिंपल फॉर्म में वो सारे डेसिमल्स आते हैं जो जिनके पॉइंट के बाद सब पर बार लगा होता है। किस पे? सारे नंबर्स जो भी उस डेसिमल में अपीयर कर रहे हैं उन सब के ऊपर बार लगाए तो मैं उसके बोलूंगी कि ये जो डेसिमल है ये सिंपल फॉर्म में है। सिमिलरली 0.38 बार और 0.547 बार और 0.3427 सब पर बार। यानी कि वो सारे नंबर्स डेसिमल के बाद जिन पे बार लगा हो उन सारे नंबर्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? सिंपल रिकरिंग डेसिमल की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मिक्स्ड कैटेगरी। इस कैटेगरी में हम क्या करते हैं? इस कैटेगरी में हम वो सारे नंबर लेते हैं जिनमें कुछ नंबर के ऊपर बार लगा है और कुछ के ऊपर नहीं लगा। यानी कि 0.6438, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें सिर्फ 8 पर बार लगा है। यानी कि सिर्फ ये तीन जो नंबर से इन पर बार नहीं लगा। यानी कि ऐसे नंबर को मैं किस कैटेगरी में रखूंगी? मिक्स्ड की कैटेगरी में। 0.547 बार। यानी कि ऐसे नंबर्स, यानी कि इसमें क्या देख रही हूँ मैं कि दो पर बार नहीं लगा और एक पर लगा है। यानी कि वो सारे नंबर जो कि कुछ पे बार लगा है और कुछ पे नहीं लगा, उन सारे नंबर को मैं किस कैटेगरी में रखूंगी? मिक्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। सो इसमें से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है, वो सिंपल टाइप की प्रॉब्लम है। तो मैंने ले लिया फर्स्ट क्वेश्चन 0.82 बार। यहाँ बार का क्या मीन्स होता है? बार का मीन्स होता है वो नंबर बार बार रिपीट होगा, जिस नंबर के ऊपर भी बार है वही नंबर बार बार रिपीट होगा। तो फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन में नंबर गिवन है, जो भी डेसिमल गिवन है, उसे कंसीडर कर लेते हैं x। सो मैंने लेट किया x इज इक्वल टू 0.82 बार। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, इसे इसकी ओपन फॉर्म में लिख लेंगे। ओपन फॉर्म से मतलब बार हटा देंगे। ठीक है, एंड सो ऑन, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप इज काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल? 1, 2, और 2 के ऊपर ही बार है। तो मैं 10^2 से मल्टीप्लाई करूंगी इस इक्वेशन में। यानी कि 10^2 का मतलब क्या हुआ? 100 से मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगी। सो मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1। ओके, 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ। अब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 82.82, ऐसे लिखूंगी मैम। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात याद रखनी है कि जब भी मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होनी चाहिए। यानी कि 1, 2, 3, 4, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? मैंने 4 तक लिखी है। कहीं तक भी ले सकते हैं लेकिन मैं जनरली 4 तक लिखती हूँ। मैंने 4 तक लिख लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं सिर्फ। तो क्या किया मैंने, यहाँ 2 डिजिट्स और लगा दिया।
क्या इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो दो डिजिट्स हैं यहाँ पर जो नंबर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने 4 तक लिखा था, यहाँ नंबर्स तो कितने भी हो सकते हैं ना, और यहाँ भी नंबर्स कितने भी लिख सकती हूँ, तो मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी सॉल्विंग इजी करने के लिए मैंने ये 4 तक ले लिया। बस यहाँ याद क्या रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट सेम होनी चाहिए दोनों स्टेप में, ठीक है? इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन टू। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करना है। इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन माइनस करूंगी तो कैसे करूंगी, एलएचएस में से एलएचएस माइनस किया एंड आरएचएस में से आरएचएस माइनस करना है मुझे, माइनस 0.8282 यही होगा। ये कितना हो गया, 99x इज इक्वल्स टू 82, ठीक है? माइनस किया, डेसिमल वाला पार्ट सेम है, ये जीरो हो जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, 0.8282 माइनस 0.8282, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 82 इंटीजर पार्ट। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 82 अपॉन 99 एंड दिस इज माई आंसर, ठीक है? तो हमने क्या किया बच्चों, हमने सबसे पहले एक्स माना जो भी हमें गिवन था, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंपल फॉर्म में है या मिक्स्ड फॉर्म में है। उसके बाद हमें एक्स कंसीडर कर लेना है जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड स्टेप, हमें उसकी ओपन फॉर्म में उसे लिखना है बार हटा के। फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे हम, कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, देन उसका मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज 2 डिजिट्स है यहाँ पर, तो 10 to the power 2, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं इस इक्वेशन में। मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे ये मिल गया, देन इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 माइनस कर दिया मैंने दोनों इक्वेशंस को, मुझे मिला, ये मिल गया 99x इज इक्वल टू 82। फिर मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में ले लिया, सॉल्व कर लिया एंड दिस इज माई पी अपॉन क्यू फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी तरह से हम आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.3 बार। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, सिंपल की कैटेगरी में या मिक्स कैटेगरी में? सिंपल की कैटेगरी में, क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक डिजिट है और उसके ऊपर बार है, यानी कि जितनी डिजिट है उसके ऊपर बार है। सो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, एक्स मान लिया, नेक्स्ट इसे ओपन फॉर्म में लिख लिया 0.333, ओके। आप क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 की पावर 1, यानी कि 100 से, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 10 की पावर 1 मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करूंगी मैं। सो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन, इसे 1 नाम दे दिया मैंने, सो इन इक्वेशन 1, ठीक है? अब मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो मुझे क्या मिला, 3.333। लेकिन क्या करना है, होता है मुझे नंबर ऑफ डिजिट सेम करनी होती है। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3 है, यहाँ 4 है, तो मुझे क्या करूँगी मैं कि 3 डिजिट्स को मैं 4 बना लूँगी बाय एडिंग 1 नंबर टू इट, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 1 है, मैं माइनस कर दूंगी सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को। सो 2 माइनस 1, यानी कि एलएचएस में से एलएचएस माइनस होगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आरएचएस में से आरएचएस माइनस होगा, सो 3.3333 माइनस 0.3333, 4 टाइम्स हो गया ये, दोनों इक्वल है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 3, यहाँ क्या हो गया 9x, सो x कितना आ गया 3/9, या फिर क्या कह सकती हूँ मैं इसे 1/3, सो x इज 1/3, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे, यानी कि इसकी p/q फॉर्म क्या हुई, 1/3 एंड दिस इज माय आंसर। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का
मिक्स वाली फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। मिक्स फॉर्म क्या होती है बच्चों? अभी बताया था मैंने आपको कि वो नंबर्स जिसमें कुछ के ऊपर बार है और कुछ के ऊपर नहीं है, यानी कि 0.38 सेकेंड क्वेश्चन है 0.38। तो फर्स्ट स्टेप इसमें सेम रहेगा, एक्स कंसीडर करना, इसको एक्स इज दिस एंड नाउ क्या करेंगे अब, सेकेंड स्टेप भी सेम रहेगा, इसे एक्सपेंड करके लिख देंगे विदाउट बार। सो 8 के ऊपर बार है सो सिर्फ 8 ही रिपीट होगा हमारे पास, ठीक है, कितनी भी बार लिख सकते हैं हम यहाँ 8, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा। सो कितनी डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा? ओनली 1, दैट इज 3। सो मैं 10^1 से मल्टीप्लाई करूंगी इस इक्वेशन में। 10^1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस इक्वेशन में। सो मुझे क्या मिला? 3.888 एंड ये कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 ये मैंने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है उसमें डेसिमल के बाद, 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। सो मैंने किस से मल्टीप्लाई करना है? 10^2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है यहाँ? 2 है। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू, 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 38.8888। अब मैंने यहाँ पर, आप कहेंगे कि यहाँ पर 4 times 8 था, यहाँ पर 5 times ही हो गया। सो अगेन वही चीज कि ये जो नंबर है वो इनफाइनाइट तक रिपीट होगा, ये नंबर भी इनफाइनाइट तक रिपीट होगा, बट मुझे सॉल्व करना है, इसलिए मैंने इसे 4 यहाँ 5 times ले लिया, यहाँ 4 times ले लिया, लेकिन डेसिमल के बाद के जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो सेम रहने चाहिए। उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें 3 ले लिया और इसमें 4 ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल शुड बी सेम। सो इसमें 4 है, इसमें भी 4 होने चाहिए, हमने 4 कर लिया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, LHS में से LHS माइनस होगा, सो 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस माइनस दिस, सो 38.8888 माइनस 3.8888, ठीक है। अब हमें माइनस कैसे करेंगे हम, ये डेसिमल वाला जो पार्ट है वो तो रिमूव हो जाएगा, और उससे पहले क्या है, 38 minus 3, सो हमें मिल जाएगा 35, और ये कितना हो गया, 100 माइनस 10 इज 90x, ओके, सो x will be 35/90, ठीक है। सो ये फॉर्म हो गई P/Q की फॉर्म। इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 7 = 35 एंड 5 1 = 5 एंड 5 8 = 40, सो x will be 7/18। सो ये हमने देखा कि कैसे हम एक मिक्स्ड फॉर्म वाले रिकरिंग डेसिमल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम मिक्स्ड फॉर्म में ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 0.6438 बार। सो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सलेट करना, सो हमने एक्सलेट किया इसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड करके लिख लेंगे, जिसके ऊपर बार है वो नंबर रिपीट होगा बार बार, मैंने लिख लिया इसे। अब क्या करेंगे, कितनी डिजिट्स है यहाँ जिस पर बार नहीं है, 2 डिजिट्स है, सो मैंने क्या किया, 10^2, दैट मीन्स 100 से मैंने इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। सो 100x इज इक्वल्स टू 64.3838, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मैं यहाँ देख रही हूँ कितनी है, 1, 2, 3, 4। सो मुझे क्या करना है, 10^4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से,
मैंने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, कितना मिला मुझे 6438.38। लेकिन क्या हम इसे अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, यहाँ 2 digits हैं, यहाँ 4 digits हैं, तो अभी हम इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल करनी पड़ेंगी। सो मैंने यहाँ 38 ऐड कर दिया, और इसे मैंने ऐड अपने मन से नहीं किया, यहाँ पर ये गिवन है क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ ऐड कर सकती हूँ 38। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। सो मैंने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिया, RHS में से LHS में से LHS माइनस होगा, ठीक है, एंड RHS में से RHS माइनस होगा, सो 6438.3838 माइनस 64.3838, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है सिंपल, कितना आएगा ये मिलेगा मुझे, और फिर उसके बाद इसमें से इसे माइनस करेंगे, सो डेसिमल वाला पोर्शन जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कितना मिलेगा, फोर, एंड ये कितना हुआ, सेवन, एंड ये कितना बचा, 3, 6, यानि कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6374/9900। सो दिस इज माय x, हमने इसे p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि हमें करना था रेशनल नंबर की फॉर्म में फाइंड करना था, यानि कि मैंने इसे p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप एक्स कंसीडर किया जो भी नंबर गिवन है, देन उसके बाद उसे एक्सपेंड करके लिख लिया, एक्सपेंड करने के बाद मैंने देखा कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिस पर बार नहीं है, मैंने उस नंबर की पावर से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, सो 10^2 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ, यानी कि 100 से, फिर मैंने देखा कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं टोटल, तो 4 थी यहाँ, तो मैंने 10^4 से मल्टीप्लाई किया, जो इक्वेशन आई उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर डेसिमल शुड बी सेम, सो मैंने सेम कर दिया यहाँ, फिर उसके बाद दो इक्वेशन आई उसमें से मैंने उसे माइनस कर दिया और एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं 0.547 बार, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहेगा, सबसे पहले मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया जो भी मुझे नंबर गिवन है, अब सेकंड स्टेप सेम एक्सपैंड करके लिख दिया मैंने इसे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी, मैं नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करूंगी जिनके ऊपर बार नहीं है, तो यहां मैं देख रही हूँ कितनी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, 2 digits हैं, सो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10^2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी इस इक्वेशन में, 10^2 मीन्स 100, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, कितना आया मेरे पास, 54.7777, मैंने 4 times लिख लिया यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये इनफाइनाइट तक रिपीट होगा, देन कितनी नहीं यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है आफ्टर डेसिमल, 3 है, तो मुझे 10^3 से मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10^3 से, क्यों, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3 है, 10^3 मीन्स 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी इस इक्वेशन में, कितना मिला मुझे, 54.7777, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए, यहाँ 4 था तो मैंने यहाँ भी 4 ले लिया, ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, देन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो सेकेंड माइनस 1 मैंने माइनस कर दिया, कितना हुआ, LHS में से LHS 1000x माइनस 100x इज इक्वल्स टू 547.7777 माइनस 54.7777
7, 7, 7, 7, ठीक है। अब इसे मैंने माइनस किया, कितना मिला मुझे, 900x इज इक्वल्स टू, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो जो डेसिमल पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा मुझे, 493 मिलेगा मुझे जब मैं इसे माइनस करूंगी दोनों को, ठीक है। फिर क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई अब यहाँ से, 493 अपॉन 900, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, और मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे x ही फाइंड करना था इन p अपॉन q फॉर्म। इसी तरह से हम कैसे भी क्वेश्चन हो, सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है सिंपल फॉर्म में है डेसिमल या मिक्स्ड फॉर्म में है। उसके बाद दोनों में सेम मेथड रहेगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेप जो रहेगा वो सेम रहेगा। फर्स्ट मेथड में सिंपल में हमें क्या करना होगा, एक्स कंसीडर किया, देन एक्स कंसीडर करने के बाद मैंने उसे एक्सपैंड करके लिख दिया, एक्सपैंड करने के बाद मैंने देखा कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, उससे मल्टीप्लाई किया, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 आफ्टर डेसिमल, सो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया एंड एक्स में से माइनस कर दिया, सो मुझे आंसर मिल गया। अब मिक्स फॉर्म में क्या करना है, अगर मिक्स फॉर्म होती है तो मिक्स फॉर्म में मुझे पहले एक्स को मैंने लेट किया, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, सेकेंड स्टेप भी सेम रहेगा, मैंने एक्सपैंड करके लिख लिया। अब अगर मिक्स फॉर्म में है तो मैं उसे देखूंगी कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे, तो उसमें से यानी कि 10 to the power 2 का मैं मल्टीप्लाई करूंगी इस इक्वेशन में। उसके बाद मैं देखूंगी कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3 तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 10 to the power 3, दैट मीन्स 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर है।